अगर आपके पास एक विंडोज़ 10 का लैपटॉप एंड पीसी है और आप अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप से मोबाइल में कोई फाइल्स या वीडियो को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किसी भी फाइल्स या कोई वीडियो को जो लैपटॉप में है उसको आप मोबाइल में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेले जो आज का वीडियो है, स्पेशली मैं बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये बेसिक बेसिक फीचर्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, राइट? जो कि ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, बिकॉज एक मोबाइल टू लैपटॉप में कोई फाइल्स को शेयरिंग करने के बेसिस पे है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें मोस्ट ऑफ केसेस में उनको ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बेसिस पे आज ये वीडियो को मैं कवर कर रहा हूँ। बिकॉज जब मैं बिगिनर था तो उस समय मुझे इस टाइप की वीडियोस नहीं मिलते, जिससे कि ये बेसिक बेसिक फीचर्स से सीखने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। सो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आपके भी टाइम यहाँ पे एक छोटे मोटी चीज़ों में ज़्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट हो। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक यूएसबी केबल की। ये वही यूएसबी केबल है जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। तो आप कोई भी यूएसबी केबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जितने बेटर क्वालिटी का होगा उतना बेटर, आप उतने बेटर वे से आपका फाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो बिकॉज़ अगर आप लो क्वालिटी का यूएसबी केबल यूज़ करेंगे तो ऐसे केसेस में आपका फ़ाइल यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के टाइम पे बीच में स्टक भी हो सकता है, तो ट्रांसफरिंग कैंसिल भी हो सकता है। तो मेक श्योर दैट, उसके बाद सबसे पहले जो आपका यूएसबी पोर्ट है वो आपको लैपटॉप के पोर्ट से कनेक्ट करना है। उसके बाद अपने लैपटॉप से यानी कि आपके मोबाइल में इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको एक ऐसा ऑप्शन आएगा आपके एंड्रॉयड के नोटिफिकेशन बार में। तो सिंपली अभी हम ट्रांसफ़र फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको ट्रांसफ़र फाइल्स पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके लैपटॉप में यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा डिवाइस कनेक्टेड का, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखते हैं लैपटॉप में आप, तो आपको यहाँ पे आपके मोबाइल का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे यानी कि ये मेरा मोबाइल है इन्फिनिक्स हॉट S3X यहाँ पर आपको दिखाएगा, तो दैट्स इट। तो अभी आपको लैपटॉप से मोबाइल में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माई कंप्यूटर में जाना होगा। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपने जहाँ पे फाइल्स और वीडियो को आपने स्टोर करके रखा है उस फोल्डर में आपको जाना होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक वीडियो है जिसको मैं आपको ट्रांसफ़र करके बताऊंगा। तो ये देखो, ये है वीडियो, वो इसका वीडियो का आप नंबर देख लो, यानी कि पहली बात आप इसका ड्यूरेशन देख लो। ये वीडियो है 6 मिनट 36 सेकेंड का और इस वीडियो का जो नंबर है वो है 172431, लास्ट का डिजिट बोल रहा हूँ मैं। अब इस वीडियो को मैं ट्रांसफ़र करके बताऊँगा आप लोगों के सामने, और ये जो वीडियो का नंबर है वही आप ध्यान एक बार देख लीजिएगा, बाद में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ से आपको डेस्कटॉप में जाना जहाँ पे अपने फाइल को ट्रांसफ़र किया, और यहाँ से इस वीडियो को जिसको भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते उसको पहली बात आप माउस पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप माउस पे राइट बटन करके कॉपी कर लीजिए, या तो आप कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C दबा के। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है डाउन साइड में मोबाइल का जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट करना है, ये मोबाइल की फ़ोन मेमोरी। उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे जो आपके मोबाइल के फोल्डर्स हैं। तो आप एग्जैक्टली वे में ट्रांसफ़र हुए वीडियो को फाइंड करना चाहते हैं तो आप बेटर है यहाँ पे आप व्हाट्सअप का फोल्डर सिलेक्ट करिए, बिकॉज़ व्हाट्सअप का फोल्डर आपके मोबाइल की गैलरी में होता है। तो बस व्हाट्सअप का फोल्डर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मीडिया का, मीडिया पे क्लिक करना है। देन उसके बाद व्हाट्सअप वीडियो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल को Ctrl+V करना है यानी कि पेस्ट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे अभी लैपटॉप टू मोबाइल में जो वीडियो है वो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा बिकॉज ये देखना आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि कितना टाइम लेता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइनली
वीडियो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है लैपटॉप से मोबाइल में। अब यहाँ पे आप देख लो उस टॉप साइड में कैसे मैंने ट्रांसफ़र किया, कहाँ पे गया। देन इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। गैलरी में एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, गैलरी ओपन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे अदर्स में गया और मैंने जो ट्रांसफ़र किया था वो व्हाट्सअप वीडियो वाले फोल्डर में किया था। तो ये रहा व्हाट्सअप का वीडियो फोल्डर, स्क्रॉल डाउन किया और ये रहा वो वीडियो। लेट मी चेक। सो यहाँ पे आप देख लो नंबर भी वही है और वीडियो भी वही है। वीडियो का ड्यूरेशन लेंथ भी मैं आपको बताता हूँ, यू कैन सी दैट 6 मिनट 36 सेकेंड, यानी कि यही वो वीडियो है। वीडियो का नंबर आप चाहे तो फिर से वीडियो बैक साइड करके आप चेक कर सकते हो। सो है यू गो, ये रहा एकदम ईजीएस्ट प्रोसेस जिसका यूज़ करके आप लैपटॉप टू मोबाइल में फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इवन वीडियोस को भी। इवन अभी तो मैंने सिर्फ वीडियो को बताया, अभी मैं आपको फाइल्स को ट्रांसफ़र करके बताता हूँ। तो फिर से जाऊँगा माई कंप्यूटर में, यहाँ पे मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया जिसमें फ़ाइल है, फ़ाइल को मैंने सिलेक्ट किया जिसको मैं शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ये रहा वो फ़ाइल एग्जांपल में। तो अभी मैं रैंडमली कोई भी फाइल सिलेक्ट करो तो ये रहा, फिर से आपको सिलेक्ट दो बार टैप करके सिलेक्ट करना है, माउस पे राइट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे आप फिर से कंट्रोल सी भी यूज़ कर सकते हैं, फिर से मोबाइल का फोल्डर यहाँ पे ओपन करना है, ये मोबाइल की मेमोरी क्लिक करना है और इसको भी हम व्हाट्सएप के फोल्डर में ही पेस्ट करेंगे बिकॉज फाइंड आउट करने में ईजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, फिर से मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और अभी आपको यहाँ पे चाहे तो आप व्हाट्सएप वीडियो में भी शेयर कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, या तो व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट फोल्डर में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन ओपन किया मैंने और यहाँ पे सिंपली आपको कंट्रोल वी करना है, यानी कि पेस्ट करना है, दैट्स इट, हियर यू गो, है ना, ये एकदम ईजीएस्ट। देखिए मैं बार बार व्हाट्सअप के फोल्डर में ही ट्रांसफ़र करने क्यों कह रहा हूँ, देखिए यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाट्सअप आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है और व्हाट्सअप के फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके मोबाइल में मिलेंगे बिकॉज व्हाट्सअप भी आप एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ही करोगे। तो इसलिए मैं व्हाट्सअप के फोल्डर में ट्रांसफ़र करने कहता हूँ बिकॉज इससे आपको जो वीडियोस आपने ट्रांसफ़र की है या तो जो फाइल्स आपने ट्रांसफ़र की है उसको फाइंड करने में आपको ईजीएस्ट हो जाएगा। तो आप कहाँ कहाँ ऐसे ढूंढते बैठोगे, दैट्स इट। तो इसी तरीके से आप लैपटॉप टू मोबाइल में कोई भी फाइल्स एंड वीडियो को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ये भी चेक करना चाहते हैं कि मोबाइल से लैपटॉप में किस तरीके से फाइल्स एंड ट्रांसफ़र करना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट है तो मैं ज़रूर इसके रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करूँगा। सो दिस इज़ द वे वेर यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र फाइल्स एंड वीडियोज़ लैपटॉप टू मोबाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।